हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। इस वीडियो में मैं यूरिन एग्जामिनेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करूंगा। इसके पहले मैं एपिसोड नंबर 3 में हमने बात की थी केमिकल एग्जामिनेशन, और केमिकल एग्जामिनेशन में हमने बात की थी प्रोटीन की और पीएच की। बट हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, एपिसोड नंबर 4 में हम किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज और कीटोन्स की। हमने ये दोनों क्या कर ली थी, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में बात की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये दो चीज़ पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और शुरू करने देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। यह किसके लिए होता था, ये आपका होता था प्रोटीन्स के लिए टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट के लिए हमने बताया था हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट बताया था। फिर ये जो तीसरा था सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, इसका हमने बताया था। इसका हमने देखिए, इसको हमने कुछ थोड़ा बहुत बताया था, उसको डिटेल में ये देखिए दिया है कि इसका जो प्रोसीजर है चेक करने का क्या है, टेस्ट लगाने का। जैसा कि देखिए इसमें लिखा है कि चेक द पीएच ऑफ ए पोर्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच चेक करते हैं। इफ़ इट इज एल्कलाइन और न्यूट्रल एड 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि अगर उसका जो पीएच न्यूट्रल हो या एल्कलाइन हो तो उसमें 10% एसिटिक एसिड ऐड करते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और कब तक ऐड करते हैं, जब तक कि वो एसिडिक बन ना जाए। जो ये सॉल्यूशन है इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप चेक करते रहते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते रहते हैं। कब तक डालते रहते हैं 10% एसिटिक एसिड, जब तक कि वो यूरिन क्या हो, वो सॉल्यूशन क्या हो, जब तक कि वो सॉल्यूशन एसिडिक ना बन जाए। ठीक है, उसके बाद पीएच उसका देखते हैं, अगर वो एसिडिक बन गया हो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे। देखिए, इफ़ द यूरिन इज क्लाउडी फिल्टर और सेंट्रीफ्यूज द यूरिन, अगर यूरिन क्लाउडी है ठीक है तो उसको फिल्टर करेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। कैसे, 5 मिनट के लिए 2000 से 3000 RPM पर उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि टेक 2 ml क्लियर यूरिन इन ए टेस्ट ट्यूब, उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में 2 ml तक यूरिन को ले लेते हैं और उस ऐड 2 ml, यानी कि 2 ml ऐड करते हैं 5-sulfosalicylic एसिड सॉल्यूशन एंड मिक्स। 2 ml यूरिन लेंगे, उसमें 2 ml 5% सल्फोसैलिसिलिक एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसके बाद डोंट शेक, एग्जामिन फॉर टर्बिडिटी अगेंस्ट ए डार्क ब्राउन, और उसको हिलाएंगे नहीं, शेक नहीं करेंगे, उसको रख देंगे, ऐसे जगह रखेंगे जिसका जहाँ पे क्या हो, उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो। ब्लैक होने क्यों, क्योंकि ब्लैक में टर्बिडिटी दिखेगी आसानी से। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जैसा कि ये देखिए, ये रखने के बाद अगर क्लाउडनेस नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्या है, अगर मान लीजिए रख दिए, रखने के बाद अगर क्लाउडनेस नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर फेंड टर्बिडिटी है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया ट्रेस, फेंड टर्बिडिटी है इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस बोलेंगे। ये नेक्स्ट क्या है, 1+ डेफिनेट टर्बिडिटी, यानी कि इसमें टर्बिडिटी दिखाई दे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसमें प्रोटीन 1+ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि हैवी टर्बिडिटी बट नो फॉलिकुलेशन, हैवी टर्बिडिटी हो, अगर फॉलिकुलेशन ना हो तो इसको हम क्या देंगे, 2+। फॉलिकुलेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो कण हैं वो सब मिल के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हैवी टर्बिडिटी विथ लाइट फॉलिकुलेशन, यानी कि सेकंड वाला हम क्या है, नो फॉलिकुलेशन, थर्ड में है क्या, लाइट फॉलिकुलेशन। अगर
थ्री प्लस कब देंगे? जब हैवी टर्बिडिटी हो और उसके साथ साथ फॉलिकुलेशन थोड़ी सी हो, तो उसको क्या करेंगे, प्रोटीन उसका रिजल्ट देंगे कि वो क्या है, थ्री प्लस प्रोटीन है उसमें। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्या दे रहा है, देखिए हैवी टर्बिडिटी विथ हैवी फॉलिकुलेशन, यानी कि हैवी टर्बिडिटी भी हो और हैवी फॉलिकुलेशन हो, तो इसको हम क्या देंगे, फोर प्लस। ठीक है, देखिए ये नीचे, ये देखिए ये निगेटिव हो गया, ये ट्रेस, ये वन प्लस, टू प्लस, थ्री प्लस, फोर प्लस। ठीक है, अब देखिए अब कुछ पैरामीटर्स हैं और एक डिफरेंस बताया गया है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट और सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट के बीच, कुछ पैरामीटर्स को लेके इन दोनों टेस्ट के बीच में डिफरेंस बताया गया। ठीक है, देखिए पहला जो है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या है, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, कैलोरीमेट्री। ठीक है, क्या है, कैलोरीमेट्रिक। और इसका सल्फोसिलिक एसिड का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एसिड प्रीसिपिटेशन, यानी कि ये क्या करता है, एसिड को प्रीसिपिटेट कर देता है, नीचे बैठा देता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बैठेगा उतना ज़्यादा उसका वैल्यू हाई होगी। ठीक, आपका सेकंड पैरामीटर है प्रोटीन डिटेक्टेड, प्रोटीन डिटेक्ट कौन कौन सा करता है, रेजेंट जो स्ट्रिप टेस्ट है वो केवल एल्बुमिन को डिटेक्ट करता है, लेकिन सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट है वो सभी, आल, आल में क्या क्या, एल्बुमिन, बेंग जोन्स प्रोटीन्स, HB और मायोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है। ठीक है, HB यानी कि हीम प्लस ग्लोबुलिन, इसको हीमोग्लोबिन, तो ये भी एक तरह का प्रोटीन है, मायोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है, तो ये सब तरह के प्रोटीन्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, कौन कौन से, एल्बुमिन, बेंग जोन्स प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें इसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है, 5 से 10 mg/dL, और इसकी भी कितनी होती है, 5 से 10 g/dL, दोनों की सेंसिटिविटी सेम होती है। ये इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब कैसे संकेत करता है, कैसे देख सकते हैं कि हाँ ये इंडिकेट कर रहा है टेस्ट जो है, ये कलर चेंज करके इंडिकेट करता है, यानी कि जब स्ट्रिप को हम यूरिन में डुबोते हैं तो वो कलर चेंज करके वो इंडिकेट करता है, लेकिन ये सल्फोसैलिक एसिड क्या करता है, टर्बिडिटी के आधार पर क्या करता है, इंडिकेट करता है, जैसे कि हमने ये ऊपर में बताया कि जैसे ये देख रहे हैं आप, ये सब देख रहे हैं, ये देखिए ये सब सब में क्या है, टर्बिडिटी है, किसी में फेंट टर्बिडिटी है, किसी में डिफाइंड टर्बिडिटी है, किसी में हैवी है। ठीक है, तो इस तरह का ये किस पर निर्भर करता है, टर्बिडिटी पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट कैसा है, रिएजेंट टाइप ऑफ टेस्ट कैसा है, ये रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोल देंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सल्फोसिलिक को कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसमें देखेंगे कि क्या है आपका ग्लूकोज। ठीक है, अब देखिए जो ग्लूकोज क्या होता है, लिखा है कि द ग्लूकोज यूरिन टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है यूरिन टेस्ट मेजर करता है, उसमें क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ शुगर को मेजर करता है यूरिन सैंपल में। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोस यूरिया। अगर जो ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस यूरिया बोलते हैं। ग्लूकोज लेवल कैन आल्सो बी मेजर्ड यूजिंग ए ब्लड टेस्ट और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट। ग्लूकोज लेवल को हम ब्लड टेस्ट के द्वारा या फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल ग्लूकोज रेंज इन यूरिन कितनी होती है, 0 से लेकर 0.8 मिली मोल। ठीक है, कितना है, 0 से लेकर 0.8 मिली मोल पर लीटर, या फिर 0 से लेकर 15 mg/dL होता है। ठीक है, ये क्या है इसका नॉर्मल रेंज।
फिर नेक्स्ट बात करेंगे कॉज ऑफ ग्लाइकोस्यूरिया, जो ग्लाइकोस्यूरिया होता है किसके कारण होता है, डायबिटीज मिलाइटस, जिस्टाइनल डायबिटीज, जिस्टाइनल का मतलब गर्भाधान, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है उस टाइम भी क्या हो जाता है, अगर यूरिन किसी व्यक्ति का हो तो उसमें क्या हो जाती है कि शुगर ज़्यादा आने लगती है, ग्लूकोज ज़्यादा आने लगता है, तो उसको क्या हो जाता है, ग्लाइकोस्यूरिया। या हाई शुगर डाइट लेता है जो व्यक्ति, या ड्रग्स, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर ब्रेन में इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल को क्या, क्रेनियल का मतलब ब्रेन, ठीक है, तो अगर इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन के अंदर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो भी क्या आता है, ग्लाइकोस्यूरिया उसको हो सकता है। लीवर डिजीज में हो सकता है इमोशन काजिंग ग्लाइकोस्यूरिया, इमोशन में, ठीक है, इमोशन काजिंग का मतलब कि गुस्सा या फिर से उसको और भी कोई प्रॉब्लम, जैसे कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, या ठीक है, इस तरह का क्या होता है कि इमोशन कॉजिंग ग्लाइकोस्यूरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। देखिए ग्लाइकोस्यूरिया यानी ग्लूकोज को चेक करने के लिए, यूरिन में ग्लूकोज को चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट पहला है, पहले हम क्या करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है कि पहले क्या करेंगे, टेक अ 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें 5 ml सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक, ऐड 0.5 ml या 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन, इसमें क्या करेंगे, 8 ड्रॉप या 0.5 ml यूरिन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। ऐड करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, बॉइल ओवर फ्लेम फॉर 2 मिनट, इसको 2 मिनट के लिए आग पे क्या करेंगे, हीट करेंगे फॉर 2 मिनट। अलाउ टू कूल द रूम टेम्परेचर, अलाउ टू कूल टू रूम टेम्परेचर, नोट द कलर चेंज इफ एनी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 8 ड्रॉप यूरिन ऐड करेंगे, यूरिन ऐड करने के बाद उसको 2 मिनट तक हीट करेंगे, ठीक है, बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, रूम टेम्परेचर रखने के बाद देखेंगे, नोट करेंगे कि वो कलर चेंज हुआ है, अगर कलर चेंज हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या देंगे, देखिए अगर कलर में कोई चेंज नहीं है, केवल ब्लू कलर का है, क्योंकि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, तो अगर ब्लू कलर का है तो यानी कि कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि नील, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ग्रीन हो जाए, ग्रीन विथ विदाउट प्रेसिपिटेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस बोलेंगे। अगर ग्रीन विथ प्रेसिपिटेट हो जाए तो उसको 1+, ठीक। अगर ब्राउन विथ प्रेसिपिटेट हो जाए तो उसको 2+, अगर येलो ऑरेंज विथ प्रेसिपिटेट हो जाए तो 3+, अगर ब्रिक रेड विथ प्रेसिपिटेट हो जाए तो उसको 4+, ये रिजल्ट देंगे, ठीक है, ये जो है कलर के आधार पर उसको ग्रेडिंग करेंगे। अब देखिए 1+ का मतलब कितना हो जाएगा आपका, लगभग 0.5 g/dL, 2+ का हो जाएगा लगभग 1 g/dL, और 3+ का हो जाएगा 1.5 g/dL, और 4+ का हो जाएगा 2 g/dL से ज़्यादा पर डेसीलीटर, क्या शुगर ग्लूकोज आपका क्या है, यूरिन में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड है ग्लूकोज की स्ट्रिप टेस्ट, ठीक है, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट फॉर ग्लूकोज। इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, डीप करेंगे यूरिन में, अगर इस टाइप का कलर हो तो उसको निगेटिव देंगे, अगर ये कलर होगा तो वो क्या होगा, 100 mg/dL, अगर ये कलर हो तो 250 mg/dL, अगर ये कलर हो तो 500 mg/dL, ये कलर हो तो 1000 mg/dL, अगर ये कलर हो तो 2000 या 2000 से अधिक g/dL। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस, इसको हम बोलेंगे 1+, इसको 2+, इसको 3+, इसको 4+, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट है आपका ये कीटोन्स। कीटोन में क्या है कि एक्सक्रिएशन ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन इज कॉल्ड कीटोन यूरिया। अगर बॉडी से कीटोन यूरिन के माध्यम बॉडी से कीटोन बाहर निकल रहा है तो उसको उस व्यक्ति को क्या हो सकता है कीटोन यूरिया, उसको क्या बोलेंगे कीटोन यूरिया। तो अब देखिए कीटोन बॉडीज में क्या क्या है, कीटोन बॉडीज में देखिए एसीटो एसिटिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड या एसीटोन, ये तीन कीटोन बॉडीज हैं। कौन कौन सी, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड एसीटोन, ठीक है। ये तीन ऐसे कीटोन बॉडी हैं जो कि अगर यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कीटोन्यूरिया। फिर कॉज ऑफ कीटोन्यूरिया, कॉज ऑफ कीटोन्यूरिया यानी कि कीटोन्यूरिया का कारण क्या होता है, कारण क्या है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस विथ कीटोएडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, स्टारवेशन, पेरिसिस्टेंट ओमिटिंग इन चिल्ड्रेन, प्रेगनेंसी, डायूरेटिक मेडिसिन एंड ड्रिंकिंग एक्सेस एल्कोहल, ये सब कारण क्या है कीटोन्यूरिया के हैं। अगर इन सब कारणों के द्वारा कीटोन्यूरिया होता है, ठीक है। कीटोन्यूरिया को यूरिन में टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, रुद्राश टेस्ट, उसको हम बोलते हैं रुद्रा टेस्ट। इसमें इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में देखिए एसीटो एसिटिक एसिड क्या है, एसीटो एसिटिक एसिड एंड एसीटोन रिएक्ट विथ एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोपोसाइड टू फॉर्म ए पर्पल कलर कम्प्लेक्स, यानी कि एसीटो एसिटिक एसिड और एसीटोन एल्कलाइन सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं और उसको सोडियम नाइट्रोपोसाइड से क्या पर्पल कलर के कम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस मेथड द्वारा, दिस मेथड कैन डिटेक्ट एबव 1 से लेके 5 mg पर डेसीलीटर ऑफ एसीटो एसिटिक एसिड एंड 10 से लेके 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ एसीटोन, यानी कि ये कह रहा है कि इस मेथड से हम 1 से लेके 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक एसीटो एसिड और 10 से लेके 20 मिलीग्राम डेसीलीटर से अधिक एसीटोन को क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं, बट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट इज़ नॉट डिटेक्ट, लेकिन इससे क्या है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट डिटेक्ट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या ये है, ये देखिए एसीटो एसिटिक एसिड और एसीटोन ये क्या है कीटो ग्रुप है, इसीलिए ये कीटोन टेस्ट में क्या करता है डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट क्या है कीटो ग्रुप नहीं है, इसी की वजह से ये कीटोन बॉडी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है, रुद्रा टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट नहीं होता है। अब देखिए रुद्रा टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है, देखिए पहले क्या करेंगे कि ट्रांसफर अबाउट 5 ml ऑफ यूरिन टू ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। जैसा कि ये देखिए ये देख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब ट्रांसफर कर लेंगे और ऐड वन ग्राम ऑफ रुद्रास पाउडर मिक्स एंड मिक्स वेयर, और 1 ग्राम रुद्रास पाउडर को उस 5 ml वाले यूरिन टेस्ट ट्यूब में डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें देखेंगे कि लेयर ओवर द यूरिन 1 से 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें ये मान लीजिए 5 ml हमने यूरिन लिया और इसमें हमने ऐड किया क्या 1 ग्राम रुद्रा पाउडर, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि ये ऊपर एक लेयर से जम गया है जिसको हम बोलेंगे ल्यूकर अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या ल्यूकर अमोनिया। फिर इसके नीचे देखेंगे कि ये एक पिंक कलर का रिंग बना हो गया, इस रिंग अगर ये रिंग प्रेजेंट है, अगर ये पर्पल कलर रिंग क्या करे पिंक पर्पल कलर का जो रिंग है वो अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि कीटोन बॉडी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो निगेटिव है, ठीक।
देखिए इसको भी टेस्ट करने के लिए रिएजेंट टेस्ट भी स्ट्रिप भी आते हैं। देखिए ये रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट है, देखिए रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसको यूरिन में डिप करते हैं, डिप करने के बाद फिर ये जो कलर ग्रेड है इससे मैच कराते हैं। अगर इस टाइप का कलर हो ठीक तो ये क्या है, निगेटिव है ठीक। अगर इस टाइप का कलर हो तो ये क्या है, ट्रेस ठीक। अगर ये कलर हो तो ये क्या है, वन प्लस। अगर ऐसा कलर हो तो ये है टू प्लस, अगर ऐसा कलर हो तो ये है थ्री प्लस, अगर ये कलर हो ये है फोर प्लस ठीक। अब देखिए वन प्लस में कितना होगा, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, टू प्लस में 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ठीक है, थ्री प्लस में आपका हो जाएगा 40 ग्राम, सॉरी देखिए ट्रेस में हो जाएगा आपका 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वन प्लस में आपका हो जाएगा 15 ग्राम पर डेसीलीटर ठीक है, और टू प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर डेसीलीटर, थ्री प्लस में आपका हो जाएगा 80 ग्राम पर डेसीलीटर और फोर प्लस में हो जाएगा आपका 160 ग्राम पर डेसीलीटर ठीक है। चलिए इसको ऐसे बता दे रहा है एक बार और, ये देखिए इसको हम बोलेंगे वन प्लस, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर। ये वन प्लस हो गया, ये टू प्लस हो गया, ये थ्री प्लस, ये फोर प्लस, यानी कि 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को वन प्लस, 40 ग्राम पर डेसीलीटर को टू प्लस, 80 ग्राम पर डेसीलीटर को तीन प्लस और 160 ग्राम पर डेसीलीटर को चार प्लस देंगे ठीक है। ये है आपका कलर, इससे कलर ग्रेड से मैच करेंगे और मैच करने के बाद आपको ऐसा देंगे। फिर देखिए इसमें कुछ और टेस्ट हैं, एक है एसी टेस्ट, टेबलेट टेस्ट और एक है फेरिक क्लोराइड टेस्ट ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टेबलेट आता है जो कि बेंडिक सॉल्यूशन का वो भी कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, तो जिससे हम क्या करते हैं यूरिन में उसको डाल देते हैं जिससे वो कलर चेंज करता है और कलर चेंज को हमने मैच करते हैं ठीक है। और फेरिक क्लोराइड टेस्ट में भी हम 10% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को यूज करते हैं टेस्ट के लिए ठीक है, कितना 10% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए। और यह टेस्ट किसके लिए होता है, कीटोन बॉडी यानी कीटोनोरिया में कीटोन बॉडी टेस्ट के लिए होता है। अब देखिए हमने यहाँ ये पढ़ा था बेंडिक सॉल्यूशन, चलिए बेंडिक ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था बेंडिक सॉल्यूशन ठीक है। तो इसका हम बताएंगे अभी, ये देखिए इसका हम आपको बता दे रहे हैं बेंडिक्स का जो कंपाउंड कंपोजिशन है, बेंडिक सॉल्यूशन को बनाने का कंपोजिशन कैसे बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, कितना कॉपर सल्फेट ठीक है। कॉपर सल्फेट के बाद हम यूज करेंगे सोडियम कार्बोनेट, देखिए कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद हम यूज करेंगे सोडियम सिट्रेट ठीक है। और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, डिस्टिल वाटर। अब देखिए इसको जैसे मान लीजिए ये हम कितना लेंगे, अगर आपको कितना 1000 ml 1 लीटर अगर बनाना है बेंडिक सॉल्यूशन, तो जो है सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट है उसको हम लेंगे 17.3 ग्राम ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कितना लेंगे आपका, 100 ग्राम
100 ग्राम, ठीक है। सोडियम सिट्रेट कितना लेंगे, 173 ग्राम, और डिस्टिल वाटर कितना लेंगे, 1000 ml, और इन सब को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बेंड्रिक्स सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का जो वीडियो था बस यहीं तक था, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और आगे का क्या, आगे में हम पढ़ेंगे बाइल, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट, दो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, और अगर देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो यूरोबिलिनोजन भी हमने पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू।